ठीक है, 2024 नजदीक है, बहुत ज्यादा समय नहीं है, उससे पहले अभी 2023 में 9 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं, तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, कौन किसको पसंद करता है, जनता किसको प्यार कर रही है। भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी की, जैसा कि कांग्रेस बताती है कि बहुत ज्यादा सपोर्टिव रही है, बहुत ज्यादा लोगों ने पसंद किया राहुल गांधी को, तो ठीक है 2024 का इंतजार करेंगे और कर रहे हैं, लेकिन उन्हीं मुद्दों को भुनाने की कोशिश कहीं ना कहीं जनता के जो मुद्दे हैं ना वो पीछे रह जाते हैं, आरोप प्रत्यारोप होता है, आजादी के बाद से कांग्रेस ने क्या कुछ किया इसको लेकर बीजेपी बहुत कोसती है, बीजेपी ने इन 10 सालों में क्या कुछ किया उसको लेकर कांग्रेस कोसती है, लेकिन देश की जनता के बारे में कौन सोचेगा, सवाल तो वही है ना प्रदीप जी। ये सवाल देश की जनता के लिए है काजोल जी। हाँ तो मैं वही कह रही हूँ, कमाई डूबी है, वही कह रही हूँ, पूंजियां खून पसीने की कमाई थी, डूबी है नहीं डूबी है अभी आप ये फैसले पर नहीं आ सकते प्रदीप जी। देखिए मैं बताता हूँ थोड़ी छोटी सी, बहुत छोटी सी बातें बताता हूँ, मेरे साथ कांग्रेस के मित्र बैठे हैं, थोड़ा सा बता देंगे अभी कि जरा बता दीजिए, जहां जहां आपकी सरकार रही वहां जो करोड़ों रुपए का जो निवेश करा अडानी जी ने आपके राज्यों के अंदर, उसके बारे में कभी नहीं बोलते आप लोग। जब आपकी पंजाब में सरकार थी और इतने बड़े बड़े वेयर हाउस और चीजें बना रखी थी, जो आपके पास साल का 700-800 करोड़ रुपए टैक्स के रूप में राजस्व आ रहा था, राजस्थान में भी आ रहा है, छत्तीसगढ़ में भी आ रहा है, केरला में भी आ रहा था, उसके बारे में कभी नहीं बोलते। 2100 करोड़ रुपए आपके राज्यों में लगाए निवेश करने, मैं आपके सुना ना, मैं प्लीज मैं टेक्निकल बात कर रहा हूँ, मैं चेताकाशी नहीं कर रहा, अगर मेरे तथ्यों में दम ना हो तो कहना मैं झूठ बोलूं। तो इसी चीज के बारे में कभी नहीं बोलते, कभी ये नहीं बताते कि लाखों लाख तो देश के नागरिकों को रोजगार दे रखा है, वो कभी नहीं बोलते। आज 10% टैक्स, आज 10% उनके शेयर बढ़ गए, उस पर कभी नहीं बोलते। आज जो सूत्रों ने पता लगा मुझे कि 20 आज वो विश्व के 20वें नंबर पे फिर आ गए दोबारा, इसके बारे में कोई नहीं बोलते बिल्कुल। जब उन्होंने ये बात कही कि भाई मैं मेरे जो जो मेरा स्टेटमेंट है बहुत मजबूत है, मैं किसी को भी नुकसान ना होने दूंगा चाहे मुझे सब कुछ बेचना पड़े, उसमें कभी नहीं बोलते। जब ये चंदा मांगने जाते तो उसके बारे में कभी नहीं बोलते। आज राहुल जी इतनी लंबी सड़कों पे घूमे, चलो जी अडानी जी की सड़क, अडानी जी ने सड़क बनाई है वो, तो उस पर क्यों चले आप लोग, मिट्टी में क्यों नहीं चले आप लोग।